कोरोना की महामारी और तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए झारखंड का प्रसिद्ध बाबाधाम मेला के आयोजन की संभावना खत्म हो गई है। इसके साथ साथ बासुकीनाथ का भी मेला और आयोजन स्थगित होता नजर आ रहा है। देवघर में इस बार श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा, लेकिन आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने और महामारी से बचाने के लिए बिहार और झारखंड की पुलिस संयुक्त रूप से रणनीति बनाकर कार्य करेगी। श्रद्धालुओं को रोकने के लिए बिहार और झारखंड के सभी बॉर्डर को सील किया जा रहा है। दोनों ही राज्यों के पुलिस मिलकर कोरोना को रोकने के लिए मेले में बिना आदेश के प्रवेश नहीं देने की तैयारी तेज कर दी है। दिनांक 19/7/2021 को वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में ये अंतर्राज्यीय बैठक आयोजित की गई थी। श्रावणी मेला के मजेदार जो विधि व्यवस्था संधारण COVID-19 को देखते हुए जो इस बार तो श्रावणी नहीं होना है, उनको देखते हुए जो श्रद्धालु आएंगे उसमें हम लोग किस प्रकार रणनीति बनाएंगे, उसके रणनीति को तय करने के लिए हम लोग दोनों जो सीमावर्ती राज्य बिहार के जो थाने हैं और वहाँ के SDPO के साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन की बैठक की है कि हम लोग कैसे कमरियों को रोक पाएंगे। इस संदर्भ में विस्तृत चर्चाएं हम लोगों के बीच हुई और ये नीतिगत स्तर पर ये चर्चाएं परिणत होगी। फिर क्या रोक में कैसे मतलब क्या किया जाएगा? हम लोग जो भी डेडिकेटेड डॉग गेट हैं उस पर हम लोग प्रॉपर फोर्स का डेवलपमेंट करेंगे। बिहार से जो भी कांवरिए जल लेकर आते हैं वो बिहार के स्तर पे वहाँ भी डेडिकेटेड रूप से जो है चेक पोस्ट का निर्माण होगा। हम लोग बेहद रूप से प्रचार प्रसार करेंगे। जो भी हम लोग बिल साइन जो भी साइन बोर्ड है हम लोग उसको प्रॉपर लगाएंगे। हम लोग ट्रेन में भी हम लोग साइनेज लगाएंगे। हम लोग मैक्सिमम प्रचार प्रसार करेंगे कि ताकि लोगों में अवेयरनेस हो और ये COVID-19 को देखते हुए ताकि हम लोग बेहतर काम कर सकें। श्रद्धालु उस पर भी हम लोग बेहद काम करेंगे कि ताकि COVID-19 को देखते हुए जो प्रसार है नहीं हो सके, जो भी सरकार का दिशा निर्देश है उसका अनुपालन हम लोग सुनिश्चित कर सकें। सर इस पर भी मतलब नहीं, श्रद्धालु के लिए कोई नहीं, उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके मतलब बॉर्डर पे ही उसे रोक दिया? हाँ, बॉर्डर पे रोकने का प्रयास हम लोग करेंगे। इधर कोरोना की तीसरी लहर रोकने के उद्देश्य से बाबा बासुकीनाथ धाम में जिलाधिकारियों की पंडा समाज के सदस्यों के साथ बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। आगामी 25 जुलाई से पवित्र श्रावणी माह की शुरुआत हो रही है, ऐसे में आस्था के नाम पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना हो सकती है। इससे निपटने के लिए मंदिर परिसर और शिवगंगा घाट में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि क्षेत्र में बाहर के लोग प्रवेश ना कर सके। कल जो है जिला प्रशासन की एक बैठक पंडा धनश्री सभा के साथ निहित थी और उस बैठक में भी सरकार के गाइडलाइन के तहत सरकार का दिशा निर्देश हुआ है कि श्रावणी मेला कांवड़ यात्रा इस साल भी बंद रखा जाएगा और उसकी सुरक्षा कैसे जो है सो यात्रियों को रोकें, संक्रमण को कैसे रोकें, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ जो है पंडा समाज के साथ बातचीत की और उसे सहयोग की अपेक्षा की। समाज ने भी उसको पूर्ण सहयोग देने का जो है सो आश्वासन दिया और जो है सो बैरिकेटिंग किया जाएगा और सभी जगह मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। जिला के जितने भी बॉर्डर क्षेत्र हैं उसे भी लोकेट करने की बात हुई है और ये सब तैयारियां प्रशासन के स्तर पर कर रही है। शिवगंगा की भी घेराबंदी होगी ताकि जल में संक्रमण न फैले। तो सर प्रशासन अपने स्तर से लगातार इस पर प्रयासरत है और वो लगातार इस पर काम कर रही है। देवघर के बाबा धाम मेले को लेकर देश विदेश से भक्त उम्मीद जता रहे हैं कि शायद मेले का आयोजन होगा, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के कारण सरकार ने मेले के आयोजन को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।